अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन या डिज़ाइन कस्टमाइजेशन। किस तरह से हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, उसके अंदर कोई भी सेक्शन ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे या उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारा काम हम करेंगे। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हम थीम्स के ऑप्शन के अंदर आ गए और हमारा करंट थीम ये है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस थीम को कुछ इस तरह से देखूं, मैं अपने स्टोर को राइट नाउ अभी देखूं, तो वो कुछ इस तरह से है मौजूद है। इसके अंदर देखें, यहाँ पे ये टेक्स्ट हैं, ये कॉलम्स हैं, मैं ये नहीं चाहता तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, इनकी जगह पे कोई और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो ऐड कर सकता हूँ, इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ के बैकग्राउंड पे इमेज ऐड कर सकता हूँ, या कोई और सेक्शन जो मुझे चाहिए लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है वो किस तरह से ऐड करूँगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके आगे बिल्कुल कस्टमाइजेशन के अबाउट। तो सिंपल जैसे मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी एडिटिंग आ गई। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास पूरे इस डिज़ाइन का स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे देखिए इमेज बैनर, ये देखें ये ब्लू भी हो गया है, मतलब इस पूरे इमेज बैनर की जो सेटिंग्स हैं वो इसके अंदर आएंगी। लेट्स सपोज आपको ये बटन चेंज करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और इस स्पेसिफिक एलिमेंट की जो सेटिंग्स हैं वो आपको राइट साइड पर नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। अब कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये इस प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाए जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे। अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखें शॉप नाउ, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स में, दरमियान में हमें विजुअली अपना जो डिज़ाइन है वो नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे उस एलिमेंट का जो सेटिंग्स हैं वो नज़र आएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखें इनके अंदर जो चीज़ें भी आपने चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये बैनर इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हमें लगानी है, ये टेक्स्ट है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें हम यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट एन इमेज, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्री इमेजेस भी ले सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी से, अपने लैपटॉप से यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं यहाँ पे शूज़ की इमेज यूज़ करूँगा, तो लेट्स से हम ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इमेज आ गई, इस टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं योर प्रीमियम शूज हेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी इसको हम डिलीट करना चाहें, ये मैं नहीं चाहता इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके मज़ीद इसकी जो है इसको मैं सेटिंग्स मीडियम करना चाहूँ, इसको इसका साइज छोटा करना चाहूँ, स्मॉल करना चाहूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट प्री डिफॉल्ट जो है सेटिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, ये वाली जो सेटिंग्स हैं, ये जितनी भी सेटिंग्स हमें लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये हर थीम की डिफरेंट होंगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉन थीम तो इसकी ये सेटिंग्स हैं, आप कोई और थीम यूज़ कर रहे होगे तो उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होंगी, लेकिन ऑप्शन सेम इसी तरह से ही नज़र आ रहे होंगे आपको। लेफ्ट साइड पे इस तरह से आपके एलिमेंट्स, राइट साइड पे उनकी सेटिंग्स और दरमियान में डिज़ाइन, और बस आपने उनके साथ प्ले करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको अगेन हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो मैनेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कलेक्शन है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कलेक्शंस जो भी हमने बनाई हैं, जैसे शो टू हो गई, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें उस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गया ऑटोमेटिकली डायनेमिकली, जो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर क्रिएट की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको शो करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कोई वीडियो का सोर्स डाल सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करके उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे देंगे तो वो वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ये बाद में आए और ये वाला सेक्शन पहले आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास वीडियो वाला सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलेज वाला सेक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से उठा के इसे ऊपर रख दूँगा। अब देखें
हमारा जो ये ऑप्शन है ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको स्वैप कर सकते हैं। मजीद लेट्स से अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इस सेक्शन के अंदर, तो अब मुझे यहाँ पे एक दो तीन कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो कॉलम्स हों, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इस कॉलम को रिमूव कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे मुझ पर दो कॉलम्स हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो जगह खाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम्स ही पूरी जगह के अंदर हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स टू, वन सेकेंड मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स वन, ओके। तो इसके अंदर आई गेस नंबर ऑफ कॉलम टू, और यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन है नहीं, वन थर्ड ऑफ द कॉलम विथ हाफ, ठीक है। यहाँ पे वो अच्छा, यहाँ पे देखें कॉलम थ्री, यहाँ पे इसको मैंने टू कर दिया, देखें ये पूरा शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मतलब चार कॉलम्स हों यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली इसको क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा इस पर इस तरह से, सॉरी इसको मैं यहाँ पे ऐड कॉलम कर दूंगा, ठीक है। ये एक और ऐड कॉलम हो गया, मजीद एक और करना चाहूंगा एक और ऐड हो गया, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये चारों एक ही लाइन में आए, तो मैं इस पूरे सेक्शन की सेटिंग में आऊंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखें मैं इसको चार कर दूंगा, तो ये देखें ये चारों एक ही सेक्शन में आ गए। तो इस तरह से आप इसे प्ले कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने थीम को कम्प्लीटली, जिस तरह से भी आप चाहें। तो सेम इसी तरह से सेटिंग्स होंगी। अब लेट से मैं चाहता हूँ ये सेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कम्प्लीटली यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ये यहाँ पे है तो सही, लेकिन फ्रंट एंड पे नहीं शो होगा, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत फ्यूचर के अंदर पड़े, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको अनहाइड कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी हमने मैंने डाटा डालना है वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे फूटर्स की ऑप्शन है हमारे पास, ये फूटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्विक लिंक्स हैं, इनकी मैं टाइटल्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट लिंक्स, ठीक है। सिमिलरली ये इन्फो वाला है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आवर मिशन है ये है, ठीक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, इस तरह से अपने स्टोर को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से इमेज बैनर के अंदर मैं एक ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट ब्लॉक ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ ये बटन से ऊपर आए, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से उठाऊँगा और बटन से ऊपर रख दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखें रिच टेक्स्ट के नीचे ऐड ब्लॉक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बटन ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं सिंपल इस तरह से बटन ऐड कर दूंगा। इस बटन को मजीद यहाँ पे देखें, इसका मैं डिज़ाइन दे दूंगा, शॉप योर शूज नाउ, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे दो बटन ऐड कर सकता हूँ, एक और बटन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरह से, लेकिन ये इसके नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक बटन आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे देखें जब मैं इस बटन को डील कर रहा हूँ, तो इसके साथ एक और ऑप्शन है सेकेंडरी बटन लेबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, बेसिकली ये भी उसके नीचे ही आया है, क्योंकि थीम की सेटिंग्स कुछ इस तरह से ही थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब लेट्स से ये मैं होम पेज को डिज़ाइन कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मैं कोई और पेज को डिज़ाइन करूँ, लेट्स से पेजेस के अंदर जाके मैं इस वाले पेज को डिज़ाइन करूँ, ये अबाउट अस, इसके अंदर मुझे कोई सेक्शन ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड करता हूँ किसी किस्म का, लेट्स से यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे प्री बिल्ड, उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएंगी, ठीक। तो इसी तरह से मुझे कोई और ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा, और लेट्स से मुझे एक इमेज ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैंने वो बैनर इमेज यहाँ पे ऐड कर दी, इसके अंदर मैंने इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ से ये इमेज लगा दूँगा, ठीक है, जो भी चाहूँगा। तो इस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं तमाम पेजेस की, और यहाँ पे सारे पेजेस और जिस पे भी आप मूव करना चाहें यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेट्स से मैं
ब्लॉग को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, उसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉग के अंदर आ गया और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ब्लॉग्स है कूपन्स वाला। इसके अंदर मैं ऐड सेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया ऑप्शन सबसे पहले क्लॉपसेबल कंटेंट। अब कुछ इस तरह से मैं कंटेंट ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं लेट्स से कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके अंदर अगेन टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड अगेन इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको जब मैं व्यू करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मेरा होम पेज है। अबाउट अस में बेसिकली उसको एडिट कर रहा था तो इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे कुछ मेरे पास इस तरह से आ गए। और ये मैं अब सॉरी ये हम ऐड कर रहे थे कूपन्स वाले के अंदर, तो मैं इसको कूपन्स वाले को ही व्यू करूँगा और सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे शूज टू, आई गेस वो दूसरा वो था तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। कलेक्शन है हमारे पास ये, आई गेस ये कलेक्शन नहीं थी और ये था ब्लॉग, सॉरी। तो मैं ब्लॉग के अंदर चला जाऊँगा, सिंपल मैं इसको एग्जिट करता हूँ और यहाँ से आता हूँ ब्लॉग के ऊपर, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारे पास है यहाँ पे ब्लॉग मैनेज ब्लॉग और इस ब्लॉग के अंदर हम इसको व्यू करते हैं। देखें यहाँ पे वो क्लॉपसेबल कंटेंट हमने ऐड किए थे, तो कुछ इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थीम्स के अंदर कस्टमाइज के अंदर और यहाँ पे देखें अब प्रोडक्ट पेज आपको डिज़ाइन करना है, लेट्स सपोज ए प्रोडक्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज। अब ये देखें ये प्रोडक्ट पेज है, इसको अगर मैंने ऐड करना है डिलीट करना है इसके ऊपर देखें सबसे पहले ये टाइटल आ रहा है, मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारी प्राइस आए, तो मैं क्या करूँगा इस प्राइस को उठा के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है कुछ इस तरह से, या इसके नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी सेटिंग्स जो अगर होंगी वो थीम ऑफर कर रहा होगा तो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये वाला ऑप्शन जो है नज़र ना आए तो मैं इस पे क्लिक करके सिंपल इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है ये रिमूव हो गया, ठीक। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट रेटिंग का, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये है किधर गया, प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है। क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रेटिंग है नहीं खासी तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है, इसके अंदर और ब्लॉक्स ऐड करना चाहें, कॉलम्स ऐड करना चाहें, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ और ऐड करना चाहें, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें, क्लॉपसेबल रो, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये ऐड हो चुके हैं, इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं क्लॉपसेबल रो। इसके अंदर हम कोई डाटा दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिपिंग और यहाँ पे उस पर डिफरेंट टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और जो दूसरा है हमारा ये वाला, इसके अंदर भी मैं डिलीवरी लेट्स से मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो क्लॉपसेबल कंटेंट यहाँ पे शो हो चुके हैं हमारे। तो इस तरह से आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल और मेक श्योर के हर थीम जो है उसके साथ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, बट ये सारा सिनेरियो सेम इसी तरह से रहेगा। किसके अंदर किस थीम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, किसी थीम के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे आपको ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें लिमिटेड कौन ऑप्शंस है, किसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो आपने इस तरह से थीम जो है वो मोस्ट पॉपुलर ही यूज़ करना है। आप इम्पल्स थीम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा थीम है शॉपिफाई का
और काफ़ी यूनिक थीम है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह का भी थीम यूज़ करना चाहें करें, और उसके अंदर इन ऑप्शंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो सेक्शंस आपको नहीं चाहिए उनको डिलीट कर सकते हैं, जो सेक्शंस आपको चाहिए उनको ऐड कर सकते हैं, जो अल्टर करना चाह रहे हैं आप, चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट इमेज या कुछ भी, उनको आप उस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करें, इसके साथ डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें, तभी आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।